Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to ABC Education. So friends, today's video is introductory video on my new course that is based on current affairs. So friends, आज जो मैं इस वीडियो में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूंगा बिकॉज मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी खातिर मुझे थोड़ी मैं हिंदी भी यूज करूंगा और इंग्लिश दोनों मिक्स यूज करूंगा. सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट. Before starting, I request you to please if subscribe the channel. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it so that you will get all notifications whenever I upload new video. मैं जब भी कोई वीडियो नहीं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें. सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट. फ्रेंड्स मैनी ऑफ यू आर थिंकिंग, आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी करंट अफेयर्स पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं इंटरनेट पे. There are many courses on editorials. Many sites are providing quality current affairs. So मैं आपको क्या नया प्रोवाइड करूंगा? Why you will watch my channel? तो मैं यहाँ पर आपको क्या नया प्रोवाइड करूंगा? So friends, मैं इन सवालों के जवाब देने के लिए पहले ही स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ. So friends, देखिए कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी होती है. ओके okay? अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है. क्या तो जैसे मैं मतलब अक्सर एक एग्जांपल आती है कि आप हाथी को पूरा कैसे खाओगे. ओके थोड़ा थोड़ा करके ही खाओगे उसे. इतना बड़ा अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप उसको अगर किसी बड़ी सी चीज़ को आपको इमारत को ढाना है तो आप मतलब उसको स्टेप्स में ही कोई काम करोगे. सो इसी तरह अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसको भी आप स्टेप्स में ही काम करते हो तो तभी वो क्रैक होता है. सो फ्रेंड्स हम जनरली क्या करते हैं कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे जैसे जीएस के इकॉनमी है, हिस्ट्री है, ओके ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हम इन्हें बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते हैं. ओके बड़ी अच्छी तरह से पढ़ेंगे. जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, एसएससी के स्टूडेंट हैं, क्लर्क के लिए प्रिपेयर करते हैं वो मैथ रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं. बस जो मेन पार्ट होता है करंट अफेयर्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा वो लाइटली लेते हैं. और एट द एंड क्या होता है एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उनके. सो फ्रेंड्स इस चीज को कैसे टैकल करना है उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद दैट इस कोर्स में होगा क्या. मैं ये जो करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा फर्स्ट जून से स्टार्ट करूंगा. फर्स्ट जून 2018 से इसको मैं स्टार्ट करूंगा. आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम फर्स्ट जून एंड आई विल टेक टू डेट्स डेली. दो डेट्स का करंट अफेयर्स मैं डेली लिया करूंगा. एक तो जैसे फर्स्ट जून का लूंगा और आज जैसे 30th June है, फर्स्ट जून एंड 30th June I will publish both these dates, okay? दोनों dates का मैं current affairs daily आपको publish किया करूँगा. अब इसमें हुआ क्या कि मैं आपको simple 20 points दे दिया करूँगा. okay? 20 points, 15 से 20 points या 25 ज़्यादा से ज़्यादा, इतने points मैं आपको daily दे दिया करूँगा और वो पावर पॉइंट की 3-4 स्लाइड्स में, 3-4 पेजेस में वो खत्म हो जाएगा. If you want to note it down, अगर आप उसको नोट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक डेढ़ पेज ही बना करेगा रोज का, ठीक है, करंट अफेयर्स का. और लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ठीक है. आप ये मेरी वीडियोस देखिए और जो डेली हार्डली 10 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, 5 से 10 मिनट के बीच में, और अगर आप ये डेली वीडियो देख लेते हैं प्लस न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं. अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इफ यू आर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू कैन स्टडी द हिंदू. ओके आप स्टडी हिंदू से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. ओके और जो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप दैनिक जागरण या कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है. अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा द हिंदू के ऊपर, हाउ टू रीड द हिंदू, तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा. लेकिन फिलहाल मैं आपको ये करूंगा कि न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स पे फोकस करना है. द हिंदू के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आपको पूरा न्यूज़पेपर, आप पहले तो आप एक सिलेबस पढ़िए अपना, इस सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आपको, इंटरनेशनल है न्यूज़ है वो पढ़नी है आपको, इकोनॉमी के रिलेटेड थोड़ी पढ़ लेनी है, प्लस जो भी नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए. हिंदू ही क्यों पढ़ते हैं, ये भी एक मतलब बहुत क्वेश्चन होता है बच्चों में कि सर हिंदू ही क्यों पढ़ें. तो हिंदू फ्रेंड्स आपने इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो डेली इवेंट्स चल रही होती हैं हिंदू क्या करता है कि उनके ऊपर आर्टिकल्स डाल देता है. तो जो वो जो इवेंट्स होती हैं वो जब आप उसको आर्टिकल के रूप में ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपको मतलब और ज़्यादा हेल्प करता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में. तो डेट्स वाई आपने कई बार देखा होगा कि मेंस के क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी मेंस के वो डायरेक्टली द हिंदू के आर्टिकल से उठा दिए जाते हैं.
सो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, आपको डेली पढ़ना है। अब पढ़ रहे हो तो ये नहीं है कि आपको 4 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो तो उसका भी कोई फन नहीं है। आपका 1 घंटे के अंदर अंदर, वैसे तो 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपको न्यूज़पेपर ख़त्म होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। प्लस फ्रेंड्स उसमें से नोट्स मत बनाइए, ओके, ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं कि जनरली हम न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं रोज़, अच्छा उसमें से नोट्स भी बना लेते हैं, और फिर बहुत सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी होता है। सो हमने हिंदू से नोट्स बना लिए, यूट्यूब पे आर्टिकल की वो समरी आ रही है, न्यूज़पेपर की समरी आ रही है, हमने आधे घंटे की वो देख ली, फिर उसके बाद साइट्स पे जो वो डेली करंट अफेयर्स पब्लिश करते हैं वो पढ़ लिए, उसके बाद महीने के बाद हमने जो करंट अफेयर्स को कंपाइलेशन आती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, 150-200 पेज की मैगजीन होती है कम से कम भी, तो वो 100-150 की होती है, तो वो हम खरीद लेते हैं मार्केट से, और साल की वो 12 इकट्ठी हो जाती हैं। जनरली साल के बाद जब 10 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है तो वो जो मतलब 10 महीने की जो मैगजीन्स आपके पास इकट्ठी हो गई, प्लस आपके जो नोट्स आपने हिंदू पढ़ा है वो वहाँ वहाँ से आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, तो 2,000-3,000 पेजेस आपके मतलब पढ़ने वाले हो गए साल के। सो फ्रेंड्स आपने पढ़ लिया लेकिन आपको उसको रिवाइज भी तो करना है, आप उसको रिकॉल भी तो करना है। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो मैंने आपके क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग, आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करेंगे आप एग्जाम में, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स तो ज़्यादातर उसमें फैक्ट्स बेस्ड होता है, तो वो आपको इश्यूज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो जब तक रिवाइज नहीं करेंगे वो आएगा नहीं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको, आप वो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और 20 से 25 लाइनों को करंट अफेयर में आपको डेली दे दिया करूँगा, 1 से 1.5 पेज हुआ करेगा वो, अगर आप उसको आप उसके प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप साल के बाद एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको 400 पेजेस की एक स्पायरल होती है, आई थिंक बड़ी स्पायरल जो 400 पेजेस की होती है, तो 350-400 पेज में आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स आपके पास होगा, ओके फ्रेंड्स, तो वो आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी। अदरवाइज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में कंपाइलेशन खरीदते हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट ने कंपाइलेशन पब्लिश की पूरे साल की, वो कितने की है जी, 800 पेजेस की, 400-400 पेज की 2 पेजेस वो कंपाइलेशन है, और फिर हम उनको कोशिश करते हैं हम अब 10 दिन में इसको रिवाइज कर लें सारा, तो वो हो नहीं पाता, डैट इज़ मतलब नथिंग, वो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है। सो फ्रेंड्स डेट्स वाई आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन यू डैट प्लीज़ न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ें, प्लस ये करंट अफेयर्स पढ़ लें, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। प्लस अगर आप और ज़्यादा रीडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, ओके, आपकी कैपेसिटी पे है। सो ये क्लियर है कि मैंने आपको 20 से 25 पॉइंट रोल के दिया करूँगा और आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एक ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें याद नहीं रहते, हमें फैक्ट्स नहीं याद रहते, तो हम कैसे उन फैक्ट्स को लर्न करें, हाउ टू लर्न, ओके, तो लर्न करना तो ठीक है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम में याद भी तो रहना चाहिए। सो फ्रेंड उसके लिए आप 4 आवर्स पे फोकस करें, ओके फ्रेंड्स, दे आर 4 आवर्स, रीड, रिवाइज, रिकॉल, रिप्रोड्यूस, ओके फ्रेंड्स, आपको उसे पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको बस पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आप उसको सेकंड रीडिंग दोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, और रिवाइज के साथ साथ थर्ड रीडिंग अगर आप कर सकते हो वो कीजिए, अदरवाइज आप उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हों तो जो जो आपको उसमें क्वेश्चन आए हों तो आप उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस एरियाज में क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अब आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट से आ जाता है क्वेश्चन, जहाँ 1857 के रिवोल्ट में से एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है, और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं यहां से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल मूवमेंट से तो आता ही आता है, तो आप इनके ऊपर फोकस करेंगे और उनके ऊपर भी जब आप क्वेश्चंस रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, ओके, कौन कौन सी मूवमेंट्स लाई, किसने कौन सी मूवमेंट लाई, तो वो आप मतलब पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको उनको भी एनालाइज करना ज़रूरी है।
सो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि 4 आवर्स रीड रिवाइज रिकॉल, ठीक है। पहले आप रीड करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप उसको खुद मतलब रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। आप अकेले बैठ जाएं और उसको देखें कि मैंने आज ये क्या पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तो आप ये देखें कि आपको क्या याद आ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। आपने जो आपने इनपुट लिया, जो आपने पढ़ा, एंड व्हाट आउटपुट यू आर गिविंग, आप उसका आउटपुट क्या निकाल रहे हो। आप खुद आंखें बंद कर लीजिए और बैठ के आराम से देखिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ा था, उसके आपको कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश कीजिए, ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी रहती है, ठीक है। और दैट फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज रिप्रोड्यूस। यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन योर ओन लैंग्वेज, मीन्स आपको इसको अपनी लैंग्वेज में फिर दोबारा लिखना है। कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में लिखने की, अदरवाइज अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप रीड रिवाइज रिकॉल करके उसके बाद जो आपने अंडरलाइन किया होगा अगर आप उसको भी लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा को, तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज फोकस ऑन दीज 4 आवर्स। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, सो वट इज द कोर्स अबाउट। ओके, कोर्स किस चीज़ के बारे में है ये मैंने आपको पूरा डिटेल कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स ओके रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। I will clear your all doubts. Thank you very much for watching. Please, if you like the video, friends, please like, share, and subscribe. Please, thank you very much.